स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। हिमाचली संस्कृति का प्रतीक टोपी, शिमला संस्कृति का प्रतीक लोहिया और इन सबसे सम्मानीय नड्डा जी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उनका सत्कार करते हुए हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय नड्डा जी का कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि स्वागत। शक्ति का प्रतीक तलवार भेंट करके सम्मानीय नड्डा जी का सत्कार, उनका स्वागत। बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी इस छोटे से प्रदेश कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं व्यक्तिगत रूप में कभी भी इस प्रकार का इंसान नहीं रहा जो किसी पद के लिए काम करता है, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपकी ताकत, आपका लगाव ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी आपका सर झुकने नहीं दूंगा, आगे बढ़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से आगे ले जाऊंगा। मैं धन्यवादी हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, निवर्तमान अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, संसदीय बोर्ड का और 22 राज्यों जिन्होंने मेरा नामांकन प्रस्तावित किया और मुझे निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी, आप सब की ओर से उनको मैं हार्दिक धन्यवाद दूं। देश में 2500 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं। 59 दल ऐसे हैं जिनको प्रादेशिक स्तर पर चुनाव आयोग ने मान्यता दी और 7-8 ऐसे दल हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग ने मान्यता दी। अगर आप नजर दोहराएंगे तो सभी दल या तो वंशवाद से लिप्त हैं, परिवारवाद से लिप्त हैं, जातिवाद से लिप्त हैं, किसी समुदाय विशेष से लिप्त हैं। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जहां वंशवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, व्यक्तिवाद नहीं है, यहां विचारवाद है और विचार को लेकर के चलने की। कभी सोच सकते हैं कि एक साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ चलकर भारत का प्रधानमंत्री बने और दुनिया का नेता बने, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी। हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। आपने 303 एमपी चुनाव जिता करके भेजे, सुरेश कश्यप को आपने अपनी उंगली से कमल के निशान को बटन दबा करके मई महीने में भेजा और सुरेश कश्यप ने 6 अगस्त को अपनी उंगली से धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये ताकत आप जम्मू कश्मीर में अभी दिसंबर महीने में पहली बार आजादी के बाद पीडीसी का चुनाव हुआ, पीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, 310 सीटें, एक भी सीट अनकंटेस्टेड नहीं गई और 81 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और ये चुनाव के दौरान एक खून का कतरा नहीं बहा कि हमारे विरोधी चाहेंगे कि इन बातों को पर हम ध्यान न दें। हाँ, वो ये चाहेंगे कि चर्चा दिल्ली के दंगों के बारे में हो और लोग भूल जाए कि ट्रंप आया था और लोग भूल जाए कि अमेरिका का राष्ट्रपति पहली बार यहां आता है अकेला, सिर्फ भारत में उसका प्लेन लैंड करता है और वो स्टेडियम में, सबसे बड़ा दुनिया के स्टेडियम में जाकर के अपने 28 मिनट के भाषण में 20 मिनट
भारत की तारीफ करता है, मोदी जी की तारीफ करता है, ये हम करते हैं।